दमन दीव सांसद। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि के कारण और यहाँ की प्रशासक अभी के आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी की सफल प्रशासन के कारण यहाँ की सामान्य लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक क्वांटम जंप आई है। यहाँ नया रोजगार सृजन हुआ है, ईज ऑफ लिविंग बढ़े हैं, टूरिज्म की अपार संभावना यहाँ बनाई गई है, लॉ एंड ऑर्डर को एकदम नियंत्रित करके उद्यमियों को बहुत बड़ा स्वस्ति दिया गया है, कानून की राज प्रतिष्ठा किया गया है। इसके कारण यहाँ की अर्थनीति में बहुत बड़ी उछाल आई है। मैं विशेष करके प्रभावित हूँ जिस प्रकार की दामन में वेस्ट टू वेल्थ प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसकी सीधा सीधा एक उदाहरण एक नेकलेस रोड बना के दामन की और इस संघ राज्य प्रदेश की चेहरा को बदला गया है। पिछले दिनों में मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने बीच स्पोर्ट्स के बारे में जो कुछ दिन पहले दीव में आयोजन किया गया था उसकी एक राष्ट्रीय पहचान बनी है। आज मैं सिलवासा भी आया था, यहाँ नया मेडिकल कॉलेज नोमो मेडिकल कॉलेज खुला है। पहली बार आज़ादी के 75 साल में इस प्रकार के इलाका में मेडिकल कॉलेज खुले, स्थानीय बच्चे सब उसमें पढ़ रहे हैं, यहाँ के स्थानीय आदिवासी बच्चे लड़कियाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, ड्रोन की कोर्स बच्चे कर रहे हैं, पैरामेडिकल की कोर्सेस शुरू हुई है, पॉलिटेक्निक नए नए शुरू हो रहा है, होटल मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट खुली है, ट्रिपल आईटी खुली है, गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी के कैंपस यहाँ आए हैं, निब जैसे अत्यंत मॉडर्न इंस्टीट्यूशन भी यहाँ तक पहुँच गई है, दामन तक पहुँच गई है। ये सब दर्शाती है मोदी जी देश की विकास करने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। 2047 तक हम इसको विकसित भारत बना के रहेंगे, ये 3D की यूनियन टेरिटोरी विकसित होगा तब हमारा देश विकसित होगा। मैं आज बहुत आभार प्रकट करता हूँ यहाँ की प्रशासक महोदय को, उनकी टीम को, उनको शुभेच्छा। आज यहाँ लैपटॉप बंटी गई, 5,000 से ज़्यादा लैपटॉप यहाँ आज बंटी गई, साइकिल्स बंटी गई, लड़कियों को साइकिल्स दिया गया है। हमारी सरकार की नीति है समाज की वंचित वर्गों को इतना सशक्त करो कि वो आत्मनिर्भर बने। हमारी यहाँ का प्रशासन उस दिशा में एक बड़ी कदम उठाई है। लैपटॉप जो आज हमें मिला है ये हमारी पढ़ाई में बहुत मदद करेगा, क्योंकि जैसे कि आपको बता दूं कि लॉयर का काम रिसर्च करना होता है, तो मेन हमारा काम लैपटॉप पे होता है, हमें जो भी ड्राफ्टिंग करनी होती है, तो ये हमारी बहुत मदद करेगा और हम भारत सरकार का खूब खूब आभार मानते हैं। मैं दमन से आई हूँ सिलवास, और गवर्नमेंट प्राइमरी अपर नरेंद्र मॉडल स्कूल मेरे स्कूल का नाम है, और मेरे घर से मेरा घर और स्कूल का बहुत डिस्टेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसकी वजह से मेरे को साइकिल से मैं जा सकती हूँ अपने स्कूल, फ़ायदा, और छुट्टी तो कभी नहीं होगी, और मेरे को छोड़ना नहीं है, छुट्टी नहीं करना ऐसा, तो ये और बहुत खुशी हो रही है कि सर ने हमें साइकिल दिया फ्री में। NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पढ़ुची, मुँ मोर बैचलर्स करुच्ची TD। आज बहुत खुशी कथा कि सर आसी मिनिस्टर सर, एजुकेशन मिनिस्टर सर, वो ये आसिकी आम कैंपस को विजिट करें, आम एक्सपीरियंस बहुत भल लगला, मत बहुत खुशी हो कि वो ये आसी आमको बहुत भल लगला को आसिले, आमको गोटे प्रेरणा मिलला कि आमे बहुत भल टेक्सटाइल डिजाइनर हो पारू, आम एक्सपीरियंस बहुत भल था ये मिसिकी बहुत भल लगला। गंजाम ओडिशा रु अच्छी आबे एठे सिलवासर नमो मेडिकल कॉलेज रे फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट अच्छी, आठ आज शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जी आसी आमको बेस प्रेरणा दे मत चान्स मिलला कि मुझे कथा हो पारि आसी बढ़िया लगे शुभेच्छा भी दे मत लास्ट 20 years रू मो बापा एठे गुजरात रे ही जॉब करूँ, तो एड्र आ मेडिकल कॉलेजेस केमी यार सेटार गोटे ब्रीफ तक डिफरेन्सेस कहले, आ कि बढ़िया इम्प्रूवमेंट्स भी कहले, तो बेस बढ़िया एक्सपीरियंस रहा।
मैं अहमदाबाद से आई हूँ यहाँ पे सिलवासा नमो मेडिकल कॉलेज में, एंड आई एम सो प्राउड कि मैं यहाँ पे आई हूँ बिकॉज इस कॉलेज का अलग ही एक रिस्पेक्ट है, बिकॉज यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का एकेडमिक बिल्डिंग, यहाँ का मेन लाइब्रेरी जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो, दैट इज़ द मेन अट्रैक्शन हियर। और ऑब्वियसली जो एकेडमिकली भी ये कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो पुराना बिल्डिंग था उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने नया बिल्डिंग बनाया, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल, एकेडमिक बिल्डिंग और सब कुछ बहुत अच्छा है। और जैसे कि आज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर आए थे, तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे सिलवासा में एजुकेशन मिनिस्टर आए और उन्होंने पूरे कॉलेज का विज़िट किया। अभी भी वो लोग विज़िट पे है एंड वी आर रियली प्राउड टू बी हियर। उन्होंने सर आए थे तो सर ने हमसे पूछा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, देन उन्होंने इंस्पायर किया हमें कि हमें पूरा का पूरा MBBS के 5 साल कैसे निकालना है, उन्होंने गाइड किया और हमें बहुत अच्छा लगा। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।